हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो इन दिस वीडियो मैं आपसे कुछ शेयर करना चाहती हूँ। एक्चुअली मैं अभी कुछ दिन पहले सरोजिनी नगर मार्केट गई थी, तो मैंने वहाँ पे थोड़ी सी शॉपिंग की थी, ज़्यादा नहीं की थी बिकॉज मैं सरोजिनी नगर जो जाती रहती हूँ ब्लॉग बनाने के लिए, और इसलिए मैंने थोड़ा बहुत सामान खरीदा, वो मैं आपसे आज शेयर करूँगी इस वीडियो में। और अगर आपने मेरा सरोजिनी नगर का ब्लॉग नहीं देखा तो मैं ये स्क्रीन पर आपको उसका सजेस्ट कर दूंगी, आप वहाँ से मेरा सरोजिनी नगर का ब्लॉग देख सकते हैं। सो अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट मैंने वहाँ से कुछ मेकअप प्रोडक्ट्स लिए थे, तो ये मैंने लिया था वहाँ से एडीएस का मस्कारा, कुछ इस तरीके का मस्कारा है ये एडीएस का, और वहाँ पे ना आपको बहुत ज़्यादा स्टॉल मिलेंगे कॉस्मेटिक के, हर सामान यू नो 50-50 में कुछ भी लो आप। तो इस तरह का ये मस्कारा था, आप देख सकते हैं मेबलिन वाला जो आता है सुपर कर्ल मस्कारा, आई थिंक उसकी उसका ड्यूप सा लग रहा है ये, उसके जैसी पैकेजिंग है इसकी और काफ़ी अच्छा लग रहा है देखने में। और ये यहाँ पर लिखा है एडीएस हाई क्वालिटी मस्कारा, लैश एंड लॉन्ग लैश नेचुरल एंड फ्रेश लार्ज ब्रश टाइप। सो ये इसका कुछ इस तरीके का है एप्लीकेटर, और अच्छा है काफ़ी, ये मैंने यूज़ किया है ये आज की वीडियो में और आगे भी करूँगी अपनी वीडियो में। सो आप देख सकते हैं इस तरीके का कुछ इसका मस्कारे का वो है ब्रश। सो फर्स्ट मैंने लिया था ये मस्कारा वहाँ से, उसके बाद मैंने ये लिया था ओवल ब्रश वहाँ से। सो इस तरीके का कुछ ये ओवल ब्रश इसमें मिला मुझे। एक्चुअली ये मैंने यूज़ नहीं किया है बट इसे मुझे यूज़ करना है, और मैंने काफ़ी देखा है ये बहुत यूज़ करते हैं लोग, यू नो फाउंडेशन ब्लेंड करने में अच्छे से ब्लेंड हो जाता है, ये ब्लेंडिंग का काम बहुत अच्छे से करता है। तो इसके जो ब्रिसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हैं और भरे भरे हैं काफ़ी, कुछ भी फॉल आउट वगैरह तो इसमें ऐसा नहीं हुआ है अब तक। बाकी मैं इसको यूज़ करूँगी तो आपको मैं बता दूँगी वीडियो में यूज़ करके कि ये किस तरीके का कैसे काम कर रहा है अपना। और इसके ब्रिसल्स ना बहुत सॉफ्ट हैं, कुछ भी चुभन वगैरह वाले नहीं हैं, बहुत अच्छे से फेस पे फाउंडेशन लगा के हम इसको ब्लेंड कर सकते हैं। सो सेकंड था मेरा ये ओवल ब्रश, इसमें मिला था ये मुझे वहाँ से, ये भी 50 का था और ये भी 50 का था। वहाँ से लिया था ये शिमर आई शेडो, आप देख सकते हैं इस तरीके का आई शेडो, ये भी 50 का लिया था मैंने वहाँ से। ये गोल्डन शिमर आई शेडो है, मैं आपको इसे खोल के दिखाती हूँ। ये बहुत ज़्यादा छोटा, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अच्छा है ये कुछ इसके इस तरीके का, ये पूरा मुझे ऐसे मिला था फुल, मैं यहाँ पर आपको दिखाती हूँ इसको लगा के थोड़ा सा, आप देख सकते हैं कितना ज़्यादा ये कलर इसमें दे रहा है अपना, गोल्डन गोल्डन बिल्कुल। तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा इसलिए मैंने वहाँ से ये लिया, तो ये मुझे बहुत अच्छा लगा वहाँ से। ये है इस पर यहाँ पर लिखा है, तो मैं इसे भी यूज़ करूँगी अपनी किसी वीडियो में, फिर मैं आपको बताऊँगी। उसके बाद मैंने कुछ एक्सेसरीज ली थी वहाँ से, इन सब चीज़ों के बाद एक्सेसरीज ली थी मैंने कुछ। तो फर्स्ट ये मैंने वहाँ से नेकलेस लिया था, आप देख सकते हैं कितना अच्छा लग रहा है, और ये वीडियो में मैंने दिखाया भी हुआ है, मैंने उसमें दिखाया सारे जितने भी थे उनके पास सबको मैंने अच्छे से दिखाया है। अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी तो प्लीज़ देखिएगा ज़रूर मेरी वीडियो। और ये उन्होंने बताया था 150 का, बट ये मुझे उन्होंने 100 में दिया, मैंने उनसे काफ़ी बार्गेनिंग की थी इसके लिए। तो ये कुछ इस तरीके का लगेगा पहनने के बाद, अब देख सकते कितना अच्छा लग रहा है ये। सो ये मैंने 100 का लिया था नेकपीस। उसके बाद मैंने ये ब्रेसलेट लिया था वहाँ से, ये कुछ इस तरीके का है, ये मैंने 50 का लिया था वहाँ से, मैं ऐसे दिखाती हूँ पहनने के बाद ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, देख सकते हैं आप कितना प्यारा लग रहा है ये रेड कलर की ड्रेस के ऊपर, कितना अच्छा जाएगा और बहुत अच्छा लग रहा है, पूरा भरा भरा सा है, मुझे काफ़ी अच्छा लगा, अट्रैक्टिव लगा, तो ये मैंने ले लिया। और आप सोच रहे होंगे इसमें काफ़ी वजन होगा बिकॉज ये सिल्वर सिल्वर सा दिख रहा है, बट ऐसा कुछ नहीं है,
ये सिल्वर नहीं है, मतलब इसके यहाँ पर कुछ तार सा ऐसे, तो इसमें इसके ऊपर लपेटा हुआ है ये, और इसमें बिल्कुल भी वजन नहीं है, ये बहुत लाइट वेट है और बहुत अच्छा लग रहा था, तो ये पहले हाथ से लिया 50 का। इसके बाद मैंने वहां से कुछ इयररिंग्स लिए थे, सो जो फर्स्ट इयररिंग है वो ये है, ये मैंने इयररिंग लिए थे वहां से। मैं आपको पहन के दिखाती हूँ कि कैसे लग रहे हैं ये। तो कुछ इस तरीके के ये इयररिंग्स थे, बहुत ही लाइट वेट है, और ये 30 में लिए थे मैंने वहां से, क्योंकि तो वहां पे 30 और 20 की सेल लगी हुई थी इयररिंग्स की। आपको वहां पे बहुत मिलेंगे ऐसे, जहाँ पे 30 और 20 की आपको सेल मिलेगी। 20 वाले वो छोटे छोटे होते हैं बहुत, बट ये 30 में आपको ना बहुत ज़्यादा वैरायटी मिलेगी वहाँ पे, और बहुत सुंदर सुंदर मिलेंगे। तो ये 30 वाला था। उसके बाद मैंने वहां से ये लिया था, ये वाला इयररिंग, ये भी 30 के ही लिए थे मैंने वहां से। देख सकते हैं आप कितने सुंदर लग रहे हैं, ये वाले भी ऐसे लगेंगे, ये इयररिंग्स देख सकते हो आप कितना अच्छे लग रहे हैं। ये बहुत लाइट वेट है, बिल्कुल भी इसमें ये ना वेट नहीं है कि कान लटक जाएंगे या कुछ भी। सो ये वाला मुझे बहुत अच्छा लगा, सिंपल एंड अट्रैक्टिव है ये। इसके बाद जो मैंने थर्ड इयररिंग लिए थे अपने, वो है ये आजकल बहुत चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे सबके कानों में। तो ये भी बहुत लाइट वेट है और काफ़ी बड़े बड़े हैं, तो अच्छे लगते हैं पहनने के बाद ये। ये देखिए अब कितना अलग ही लुक आ जाता है इयररिंग से पहनने के बाद। ये भी लाइट वेट है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं लग रहा कुछ कान में कुछ हैवी सा डाला हुआ है तो जल्दी से निकालना पड़ेगा, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। बहुत अच्छा लगता है ये, किसी के ऊपर आप सूट के साड़ी के सबके ऊपर चलेगा ये, बहुत अच्छा लगता है। और उसके बाद जो मैंने लिया था वो है ये इनर लिया था मैंने वहां से, पिंक कलर का, ये 60-60 की सेल लगी हुई थी इनर की। आप देख सकते कितना लॉन्ग इनर है ये, पिंक कलर का मैंने वहां से इनर लिया था, 60 की सेल थी वहां पर। उसके बाद में मैंने वहां से एक ये टॉप लिया था नेट का, वीडियो में मैंने दिखाया भी हुआ है ये, तो ये मैंने फुल स्लीव का नेट का टॉप लिया था। देख सकते इस तरीके का है कुछ ये। और उसके बाद मैंने एक शर्ट ली थी वहां से, ये इस तरीके की शर्ट है फुल स्लीव की। वहाँ पे ना सब जगह फुल स्लीव के, यू नो समर से तो सब हर कोई चाहता है कि टैनिंग से बचे वो, तो वहाँ पे ना फुल स्लीव की ज़्यादा भरमार थी, तो मैंने भी वहाँ से फिर ये शर्ट ली थी। आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है इसका कपड़ा, और कॉटन है ये, प्योर कॉटन। इस पर यहाँ पर लिखा है 100% प्योर कॉटन मेड इन इंडिया, तो ये मुझे बहुत अच्छी लगी थी टाइप की शर्ट है। को फिटिंग की ज़रूरत है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यू नो बड़ी है, तो मैं इसे फिटिंग कराऊंगी, फिटिंग तो आपको करानी पड़ती है उसके। सो गाइज ये थी मेरी आज की वीडियो, और आपको मेरा सामान जो मैंने वहाँ से लिया कैसा लगा प्लीज़ मुझे बताइएगा ज़रूर, और मेरी वीडियो ज़रूर देखना सरोजिनी नगर वाली, क्योंकि उसमें मैंने ये जितना भी सामान मैंने लिया है सब मैंने उसमें दिखाया हुआ है, तो प्लीज़ आप वो वीडियो ज़रूर देखना। सो ये थी मेरी आज की वीडियो, अगर आपको मेरी ये आज की वीडियो और मेरा सामान वहाँ से खरीदा हुआ अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।